बिग बॉस फैन है हम दोनों लोग, बहुत बड़े वाले, मुझसे बड़े ये हैं। चलिए मैं और उसने जा रही थी खाना, तो खाने में बनाई है अगेन खिचड़ी। आप सब लोग बोलते ना मैं खिचड़ी बहुत खाती हूँ, ये बहुत खिचड़ी खाते हैं। जो पति देव खाएंगे वही तो बनेगा, घर के मालिक कौन है, पति देव, तो इनका ऑर्डर मैं फॉलो करती हूँ। अभी वही मैंने खिचड़ी बनाई है, तो मैं उसको परसने जा रही थी, इनको भूख लग रही है, बिग बॉस देखते जाएंगे, खिचड़ी खाते जाएंगे। चलिए परसने जाए, फिर मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, पता ना बड़ा दर्द कर रहा है। करीब मैंने मेकअप किया था, रात का बज रहा है 10 और आप मेरा मेकअप देख सकते, स्टिल कोई टचअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और आप मेरा काजल, मस्कारा, लिपस्टिक देख सकते हैं। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो मैंने आज मेकअप करने में अप्लाई किए हैं। मुझे पता है पेट में दर्द सा होने लगा था, भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल, तो वही मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, पेट में अभी भी दर्द हो रहा है एक्चुअली, इस वजह से बिग बॉस देखने लगी, मेकअप भी रिमूव नहीं कर पाया और खाना भी नहीं खाया, दोनों काम मैंने नहीं किए। इतनी खुश हूँ ना, ये दोनों काम नहीं किए मैंने, और दोनों जस्ट अभी अभी चले गए हैं, बिग बॉस खत्म होते ही ये सोने, हमेशा डेली का 1-2-2.5 ऐसे ही बन जाता है सोते सोते। तो क्या करें, मेकअप रिमूव करते हैं, ये दाना देखिए कैसे हो रहा है, एकदम पूरा लाल पीला हो रहा है, गुस्सा आ रहा है क्या, गुस्से में लाल पीला हो रहा है क्या, कहावत है ना लाल पीला हो गया। चलिए आज कितना ग्लो कर रही हूँ ना, अपनी तारीफ अपने आप से कभी कभी तो करनी बनती है ना, आज में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ग्लो ग्लो कर रही हूँ लोगों को। जैसे मैं मेकअप करने लगी हूँ, पहले मैं मेकअप नहीं करती थी, तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। वैसे मोस्टली मुझसे लोग बोलते हैं आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आप बिना मेकअप के अच्छी लगती, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैं इतनी अच्छी लगती हूँ चाहे मैं जैसे रहूँ। थैंक यू सो मच। बहुत रिक्वेस्ट आती है जैसे ही मैं गाना गाती हूँ ना कि आप गाना गाया करो, डेली ब्लॉग में एक गाना गाया करो, एक सॉन्ग दो। आई एम रियली सॉरी, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, बट जब भी मेरा मूड हुआ जो भी सॉन्ग गाने का, मैं आप लोगों के लिए जरूर गाना गाया करूँगी। सो आपको आज का सॉन्ग कैसा लगा मुझसे शेयर करिएगा, समझने वाले समझ के, ना समझे सो अनाड़ी है।
थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, तो इस वजह से मैंने जो डिनर है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया। अभी शाम हो रही है तो मैंने सोचा बना के रख देती हूँ, फुर्सत करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास भी जाना है। एक्चुअली अभी इनको फोन करूंगी कि कब तक आ रहे हैं, जब ये आ जाएंगे तब बेटू को छोड़ दूंगी, बेटू को लेकर के नहीं जाऊंगी ऑब्वियसली, तो उसको छोड़ करके मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास चले जाऊंगी और वहां पर भी देखते हैं कितनी भीड़ होती क्या है, कितना टाइम लगेगा। तो यही सारी चीजें हैं, उनको डॉक्टर के पास दिखा करके लाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ, लौट के आकर के पता नहीं ज्यादा टाइम लग गया, तो फिर कब आऊंगी कब डिनर बनाऊंगी इस चक्कर में। और अभी मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, आज काफी दिन से बेडशीट चेंज नहीं करी मैंने। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जब मैं गई थी इवेंट में, आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। और बस बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई वो आप लोगों के सारे कमेंट्स देख करके। और एक आध लोग बोल रहे थे बेटू को ले जाना चाहिए था, तो मैं उसी ब्लॉग में बता चुकी थी कि उसको बुखार था, फीवर था, तबीयत सही नहीं थी उसकी, इसलिए नहीं ले गई। और पूरा वो एसी में रहती तो और नुकसान करता, आप देख रहे हैं वो 7-8 दिन से बिल्कुल एसी में नहीं, हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं और वहां पर पूरा एसी था तो उसको नुकसान करता ना, इस वजह से नहीं लेगी। कभी मैं उसको छोड़ करके नहीं जाती हूँ ऐसे। और मम्मी थी तो चली भी गई, मम्मी ना होती तो मैं इवेंट में जाना कैंसिल कर देती, बट बेटू को लेकर के नहीं जाती, तो मम्मी का चली जाऊं मैं, इसका ख्याल रख लूंगी, देखे रहूंगी इसको। बस ये सारी चीजें हैं। कल से बहुत बादल है, आज पूरा दिन बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बहुत तेज बादल है, इवन पंखे में भी ठंडक लग रही है, तो इतनी ठंडक बढ़ गई है एकदम से, मौसम चेंज हो गया है। तो यही सारी चीजें हैं, बच्चे को बीमारी में मैं कैसे ले जा सकती थी। सारे लोग समझते हैं, आप सब लोग समझते हैं, बट कुछ एक चंद लोग हैं पता नहीं वो क्यों नहीं समझते, और शायद समझेंगे भी नहीं कभी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, बट कोई बात नहीं, अब मैं उनसे लड़ने तो बैठ नहीं जाऊंगी ना, जो है मैं अपने वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हाँ जैसा है वैसा है, आप जो सोच रहे हो समझ रहे हो वो ठीक नहीं है। एक तरीका होता है ना किसी चीज को टैकल करने का, अगर मुझे निगेटिव कमेंट भी मिल रहे हैं तो मैं उसको अच्छे से कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोज में अच्छे से समझा पाऊँ, और समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और हाँ, कल एक बड़ा इशू बना है मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी आईब्रो को लेकर के। तो देखो यार, मेरी जो आईब्रो है ना वो पैदाइशी ऐसी है, किसी का कुछ कमी, कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता है ना इस दुनिया में, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, हर कोई तो ऐश वगैरह नहीं बन सकता है ना। और मैं ये डेली लाइफ दिखाती हूँ तो मैं हमेशा लाली लिपस्टिक लगा करके नहीं, आप मेरे शुरुआत के ब्लॉग देख लेना, इतना भी करने लगी हूँ, पहले इतना भी नहीं करती थी। आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी, तब मैंने काजल लगाना स्टार्ट किया, फिर मैंने मेकअप करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, बट मैं हमेशा 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती हूँ, तो वो चीज गलत भी नहीं है। मतलब मैं अपनी आईब्रोज दिखाने थोड़ी ना आती हूँ, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं वो मैंने अपने आईब्रोज के दम पे नहीं करे, अपनी मेहनत के, अपने काम के दम पर करे हैं। सो आईब्रोज हल्की है तो हल्की है, क्या करना, अगर मैं कभी नहीं लगाती हूँ आईब्रो पेंसिल तो कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। कुछ एक आधे दो चार गिने चुने लोग होते, पता नहीं वो कौन है, मुझे खुद नहीं पता, बट जो भी है वो लोग, तो मैं आंसर देना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना। तो जो मेरी आईब्रोज है वो ऐसी ही है, ऐसी ही रहेंगी, जब मेरा मन करेगा मैं नहीं लगाऊंगी आईब्रो पेंसिल, मन नहीं करेगा तो नहीं लगाऊंगी, मन करेगा तो लगाऊंगी, ये मेरे ऊपर, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको मेरी शक्ल देख करके डर लगता है तो आप मत डरिए, जिसकी शक्ल देख कर नहीं डर लगता है उसकी शक्ल देखिए जा करके, ठीक है। तो चलिए, यही कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो मैं, पहले पता है पहले मैं ये सोचती थी कि कुछ क्लियर नहीं करना है, निगेटिविटी को एकदम ऐसे हाथ का पंजा दिखा देना है, बट कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी बन जाता है, लोग बोलते ही रहते हैं, चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मतलब अगर मैं कुछ जवाब नहीं दे रही हूँ पलट करके निगेटिविटी पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है मेरे ऊपर हावी होते जाओ। तो चलिए, मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और थोड़ा सा मुझे रोटी सेकना रह गया, मैं रोटी सेक लूंगी जाकर के, बाद बाकी तो सब हो गया है। आज सिंपल सी प्याज टमाटर की सब्जी बनाई थी केवल मैंने, बहुत टेस्टी लगती है प्याज टमाटर की सब्जी। से कुछ याद आया, प्याज टमाटर की चटनी आप लोग बोलते हो उसको, बोलते केवल प्याज और टमाटर मिर्च रहता है, वही वाली यम्मी वाली सब्जी बनी है, मैंने आज बनाई है। तो चलिए, मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, कभी कभी मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ और कभी कभी इवनिंग में भी कर लेती हूँ, तो आज मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई तो सोचा चलो मैं अभी कर लेती हूँ। We'll be right back.
डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, और पता है मुझे सबसे ज्यादा आलस किस में आता है? कपड़े चेंज करने में। सच में मेरी मम्मी शुरू से मुझे बहुत डांटती है कि मैं बहुत आलस करती हूँ कपड़े चेंज करने में। कहीं जाना हुआ बस कपड़े चेंज करने में मुझे बहुत आफत आती है। तो आज ही मैंने वही कर दिया, वही पहन रही हूँ। बस थोड़ा सा हल्का सा टचअप कर लिया ताकि बाहर जा रही हूँ तो अच्छा दिखे थोड़ा सा। आज मैंने अगेन जो लिप शेड बनाया है वो दो को मिलाकर के बनाया है। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था NYB का शेड नंबर 4 लगाया है, ये एक लिप क्रियॉन है, और उसके ऊपर से शेड नंबर 11 लगाया। दोनों ही लिप क्रियॉन है, मैंने दो लिप क्रियॉन को मिला करके एक ये कलर बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा कलर बन गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मतलब 2-3 लिप शेड मिला करके लगा देती हूँ तो काफी अच्छा सा शेड आ जाता है एक बन करके। मेरे पास टोटली, आप लोगों ने मेरा मेकअप कलेक्शन वीडियो देखा था तो मोस्टली जो मेरे पास इतने लिप क्रियॉन है सारे ही NYB के हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं और इजी टू अप्लाई है। तो इन सारों का शेड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको कोई से परचेज करना है तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिप क्रियॉन क्यों, आप NYB का कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम परचेज कर सकते हैं। आप 5 प्रोडक्ट NYB के परचेज करेंगे, चाहे वो काजल हो, लिपस्टिक हो, लिप क्रियॉन हो, लिक्विड लिपस्टिक हो, फाउंडेशन हो, कुछ भी आप परचेज करेंगे XYZ NYB का। जैसे कि आप 5 प्रोडक्ट एड टू कार्ट करते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 3 का पैसा देना रहेगा, 2 प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री। ओवरऑल कहने का मतलब है बाय 5 एंड पे फॉर 3 का ऑफर चल रहा है इस टाइम, तो NYB पर ये ऑफर है, आप इसका बेनिफिट जरूर ले लीजिएगा। सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और NYB के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। और किसी ने भी मुझसे पूछा था कि अफोर्डेबल मेकअप आप बताइए कि मैं कौन सा परचेज करूं जो ज्यादा महंगा ना हो, तो आप NYB के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर या व्हाटएवर जो भी है, आप NYB के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। काफी अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं। एंड आई नो जिन लोगों को परचेज करना है वो लोग जरूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे। चलिए मैं ये सामान रख देती हूँ और अब डॉक्टर क्या जाती हूँ। ये तो आएंगे नहीं, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं 8 बजे से पहले नहीं, तो मतलब 8 बजे बोल रहे हैं तो आप 9, 9:30 बजे समझिए। हमेशा यही रहता है ना, जब बोलते हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद ही आते, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अब बेटों को लेकर के ही मुझे जाना पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, जाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो चिड़चिड़ करती है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटों को साथ ले जाने में। बस यही है, लखनऊ में बड़ा आराम था सच में, सारी चीजें इतने पास पास थी, और यहाँ दिल्ली में सब कुछ बड़ा दूर दूर सा है, सब कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं 4-5 साल हो गए दिल्ली रहती हुए, बट अभी भी मुझे लखनऊ की बहुत याद आती है। दिल्ली उतना अच्छा नहीं लगता, लखनऊ मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे मेरी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी बनाने की। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी बनाने का, कि ड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाने का। और एक और व्लॉग तो आने ही वाला है। आप लोग सोच रहे हो मैं बहुत कोई मुझसे कह भी रहा था कि आप सस्पेंस बहुत रखते हो, तो मतलब ऐसा है ना कि थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कभी कभी एक आध ब्लॉग के लिए तो ये बात बनती है ना, आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा तो इंतजार कर ही सकते हो। तो वही बात है ना, एक स्पेशल ब्लॉग मैं ला रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, और आप लोग वो देख करके बहुत खुश हो जाओगे, मुझे पता है। अपने हाउस से ही रिलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसी घर से रिलेटेड है। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास। We'll be right back.
है।